स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डीआरडीओ के हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को लेके, यानी कि डीआरडीओ के हिट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो HEAT को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बड़े नंबर में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है HAL को, जहाँ पे HAL इसके मैन्युफैक्चरिंग असेंबली और जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो सारी चीजें करने वाली है। तो बेसिकली ये एक टारगेट व्हीकल है जिसको लेके हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जो कि इस्तेमाल किया जाएगा वेरियस तरह के मिसाइल्स की टेक्निकल इवैल्यूएशन करने के लिए। मतलब ये जो आपका टारगेट व्हीकल है उसको आप फायर करो एक टारगेट के रूप में, और उस टारगेट को हिट करने के लिए अगर आप कोई मिसाइल फायर करते हो तो मिसाइल का जो भी एस्पेक्ट है वो आप प्रूव करना चाहते हो, चाहे वो टारगेट के RCS को लेके हो, मैनूवर करने की क्षमता को लेके हो, या टारगेट की स्पीड डायरेक्शन को लेके हो। तो ये सभी तरह के जो पैरामीटर हैं उस पर आपका मिसाइल कैसे खरा उतरता है वो टेस्ट करने में अभ्यास आपको हेल्प करने वाला है। अभ्यास के अंदर ट्विन बूस्टर दिए गए हैं जो कि अंडर स्लंग है, आपको दिख रहा है, और यहीं पे इसके अंदर जो गैस टरबाइन इंजन है, स्मॉल गैस टरबाइन इंजन, वो भी दिया गया है। गाइडेंस के लिए मीम्स बेस्ड INS का इस्तेमाल कर रहा है जो, और जो कंट्रोल्स है वो किए जाएंगे फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर से जो कि ऑन बोर्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पे व्हीकल प्रोग्रामेबल है फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप टारगेट को कंट्रोल करो, टारगेट का जो पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री है, स्पीड है, डायरेक्शन है, वो आप प्रीलोड कर सकते हो और लॉन्च होने के बाद वो उसी को फॉलो करेगा, और फिर जो मिसाइल आपको टेस्ट करनी है वो टारगेट के ऊपर आप छोड़ सकते हो। इसी में हम बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, जो कि DRDO के लैब CVRDE यानी कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट उनको लेके है। तो कुछ समय पहले वो एक नए इंजन पे काम कर रहे थे जो कि 600 HP का था, और ये जो इंजन है वो इसलिए डेवलप किया जा रहा है कि जो आपके फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल होंगे तो ये उनके लिए इंजन बनाया जा रहा है। इंजन को बनाते वक्त ये कुछ चीजें ध्यान में रखी गई हैं, जैसे कि जो एफिशिएंसी हो वो हायर होगी, सिंस ये फ्यूचरिस्टिक इंजन है तो जो वेट होगा वो कम होगा यानी कि लाइट वेट रहने वाला है, और जो मटेरियल का इस्तेमाल है इंजन के अंदर वो एडवांस मटेरियल यहाँ पे किए जाएंगे। तो यहाँ पे इस इंजन को आप किसी भी बैटल टैंक इंजन से कंपेयर कर सकते हो जिसका जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीट कर लिया गया है, और मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत की कंपनी अशोक लेलैंड को चुना गया है। तो यहाँ पे कहीं जो इंडक्शन है जो इंडियन आर्मी में हो चुका है, और जो भी आपके ICV हैं वहाँ पे ये इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे रिप्लेसमेंट के रूप में। सो कहीं ना कहीं इस तरह के इंजन का डेवलपमेंट प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपकी क्वालिटी और स्किल को ऊपर लेके जाएगा, और आपको सक्षम बनाएगा कि ऐसे इंजन आप बाहर एक्सपोर्ट करूँ। और वैसे भी एक इसी टाइप का जो बड़ा इंजन है उस पर भी CVRDE काम कर रही है, जो कि आर्मी के फ्यूचरिस्टिक टैंक में इस्तेमाल किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।